और हाँ मामाअर्थ, अगर आप उसको आंसर कर सक करना है तो कर दीजिएगा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट जिम से वापस आए हैं और अभी बैग रखा है, मुंह हाथ धोया है, अब बस नाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद क्योंकि आज सैटरडे है तो लाइव क्लासेस होंगी, तो 12 बजे शेड्यूल है 3 बजे तक, तो लगातार वो कंटिन्यू करेंगे। एक हो गई अभी, मैंने जिम से आते आते में ही ले ली क्योंकि वर्कआउट 9:30 तो चलता है और 9 बजे से क्लास थी, तो वहीं से मैंने अटेंड करना चालू कर दिया था। तो जल्दी से पहले नाश्ता ले आता हूँ और वही नाश्ता कचौड़ी, क्योंकि अभी डाइट अभी कर नहीं रहे हैं, डाइट नेक्स्ट मंथ से। चलो खेल के तो आ गए, फाइनली जल्दी चेंज करता हूँ और मुंह धोता हूँ, अपना फेस वॉश है ही एकदम। तो चेहरा वैसे भी कुछ दिन से, 3-4 दिन से ब्लॉग से आपको मेरा चेहरा नेक अच्छा दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने एक नया रूटीन चालू किया है, डेली 2 टाइम फेस वॉश प्लस अपना मॉइस्चराइजर लगाने का, ऑयल फ्री मामा अर्थ का ही। अब जल्दी से चेंज करता हूँ, उसके बाद फेस वॉश करके फिर दोबारा आता हूँ। तो वैसे मैं यूज कर रहा हूँ ये मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश विद टर्मरिक एंड सैफरन फॉर टैन रिमूवल। पैराबेन फ्री है ये और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, और उसके बाद सूट्स ऑल स्किन टाइप्स। तो मुझको तो यही सूट करता है मामा अर्थ का फेस वॉश उपटन वाला, बिकॉज एकदम केमिकल फ्री है ये दूसरा। बाकी जो इसका वो आता है ना लगाने पे खुशबू और टेक्सचर वगैरह, वो यार एक नंबर है, और बिल्कुल कोई इफेक्ट नहीं करता, कोई इचीनेस नहीं रहती इसको लगाने का, कोई रेडनेस नहीं रहती, बहुत ही प्यारा और बढ़िया फेस वॉश है ये। जल्दी से फेस वॉश करते हैं और देखते हैं ग्लो चेहरे पे। तो भाई देख सकते हो आप मेरा चेहरा पहले से, थोड़ा पास हो जाता हूँ और कैमरा को ऐसे कर देता हूँ, देखो पहले से बेटर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बस इसका राज है ये दोनों, मेरे एक ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर फॉर एक्ने प्रोन स्किन मामा अर्थ का एप्पल साइडर विनेगर का, और ये उपटन फेस वॉश। दोनों ही बहुत प्यारे प्रोडक्ट हैं, कोई वैसे बात नहीं है कि ये स्पॉन्सर्ड है वगैरह है, क्योंकि इतने छोटे यूट्यूबर कोई स्पॉन्सर नहीं करता है, लेकिन जेन्युइनली ये प्रोडक्ट्स बहुत बढ़िया हैं और इनका जो इफेक्ट है ना स्किन पे बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 टाइम फेस वॉश करके मैंने खुद देखा है, लेकिन कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बिल्कुल स्किन मेरी बढ़िया ग्लो कर रही है, और बाकी ये डार्क स्पॉट्स जो भी है, एक्ने तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, डार्क स्पॉट्स भी धीरे धीरे हल्के होना चालू हो गए हैं, तो बिल्कुल बढ़िया है चीज़ें। चलो भाई, लेटेस्ट यही है कि अपना अभी मैं जस्ट अभी मतलब खाना पीना खा के अभी जस्ट बैठा था और कुछ अपना काम कर पटा रहा था, तो उसमें मुझे याद आया मेरा ब्लेजर भी डला हुआ, ब्लेजर क्या मेरा जो सूट का जो ऊपर का कोट है वो डला हुआ है, उसको फिट मतलब रेडीमेड लिया था, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा फिटिंग में तो दिक्कत होती, तो उसको फिटिंग के लिए डाल रखा था। अब देखो कल या परसों मिल जाए, क्योंकि फिर मुझे ट्यूजडे को निकलना है शादी के लिए, क्योंकि जल्दी जाऊंगा ऑब्वियसली बात है, घर की शादी है तो जल्दी पहुंचूंगा 8-10 दिन पहले, तो वहां भी पहुंचना है। बाकी कल वैसे संडे है तो आराम से उठाएंगे और सुबह नाश्ता करने जाएंगे अपने वहीं स्टेशन रोड, और देखते हैं फिर कल क्या क्या होता है जैसे। और वैसे अभी चलो उस बच्चे के 11:15-11:30 हो रहे हैं, इस ब्लॉग को करता हूँ एंड। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, और हाँ मामाअर्थ अगर आप उसको आंसर कर सक करना है तो कर दीजिएगा। मिलते हैं कल, शिवराती डट बाय, टेक केयर, बाय। You know what I said, Jesse?